संविधान के 126वें संशोधन के समर्थन के लिए जो संकल्प यहाँ पर लाया गया, मैं उसका समर्थन उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन को ये ज्ञात है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोक संसद और विधान मंडलों में जो आरक्षण का 10 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था, जिसको प्रति 10 वर्ष बढ़ाकर और 70 वर्ष किया गया था, उसको पुनः बढ़ाकर 2025 जनवरी 2030 तक बढ़ाए जाने का और ये प्रस्ताव किया गया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सदन को ये किया गया ज्ञात है कि 2009 में 25 जनवरी 2020 तक इस आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, अब उसको पुनः बढ़ाकर 2030 तक बढ़ाने का ये निर्णय लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सदन को ये ज्ञात होगा कि लोकसभा की 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 543 में 47 सीटें आरक्षित हैं, यानी कुल मिलाकर लोकसभा में 543 में 131 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। और उसी प्रकार देश भर की विधानसभाओं में कुल 4120 सीटें हैं, सभी विधानसभाओं को मिलाकर उसमें 1168 सीट जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और निर्धारित है। सदन को यह भी ज्ञात है कि 2011 की जनगणना के आधार पर पूरे देश में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6%, यानी कुल मिलाकर 25% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। और संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जाएगा। और सती महोदय, सदन को यह भी ज्ञात है कि 2002 में जो परिसीमन आयोग बना था, जिसकी रिपोर्ट 2008 में रखी गई थी, उसमें अनुसूचित जाति की संख्या पूरे देश लोकसभा में 79 थी, जिसको बढ़ाकर 84 की गई, और अनुसूचित जनजाति की संख्या 41 थी, जिसको बढ़ाकर 47 की गई, क्योंकि आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का प्रावधान किया जाना है, यानी कुल 120 सीटें जो थी अनुसूचित जाति जनजाति की, उसको बढ़ाकर 131 किया गया, यानी 11 सीटों की और वृद्धि की गई। श्रोती महोदय, सदन को यह भी ज्ञात है कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं श्रोती अध्यक्ष महोदय कि आरक्षण अगर नहीं होता लोकसभा और विधानमंडलों में तो क्या स्थिति बनती, इसका उदाहरण राज्यसभा है। आज की वर्तमान राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और जिसमें मात्र अनुसूचित जाति की 18 और जनजाति की 8, कुल 26 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर। अगर आरक्षण का प्रावधान राज्यसभा में भी अगर होता, यह संख्या बढ़कर 50-55 तक जा सकती थी, लेकिन चूंकि आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति के लिए 18 और जनजाति के लिए 8, कुल 26 वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कुल 245 में। और सती अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार विधान परिषदों में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और मैं केवल बिहार विधान परिषद का उदाहरण देना चाहूंगा कि कुल 75 सदस्यों की विधान परिषद में वर्तमान में केवल 5 सदस्य ही जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है, जनजाति के 5 सदस्य मात्र हैं। अगर यही आबादी के अनुपात में आरक्षण होता तो अनुसूचित जाति की संख्या विधान परिषद में और 11-12-13 तक पहुंच सकती थी। और सती महोदय, स्थानीय प्राधिकार की 24 सीटें जिसमें एक केवल अनुसूचित जाति का सदस्य है, मनोनयन की 12 में 2 है, स्नातक की 6 में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है, और शिक्षक निर्वाचन में एक भी और अनुसूचित जाति का नहीं है। तो ये दर्शाता है सती महोदय कि यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है।
अगर हम लोगों ने विधान परिषद में या राज्यसभा में या आरक्षण का प्रावधान संविधान सभा ने या संसद ने किया होता तो आज राज्यसभा विधान परिषदों की स्थिति अत्यंत भिन्न होती। और आज सभी महोदय इसको बढ़ाए जाने का औचित्य इसलिए भी है कि अगर लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण नहीं होता तो क्या सभी महोदय ये जो मैंने संख्या बताई क्या ये 131 लोकसभा के सदस्य पहुंच पाते क्या? आजादी के 70-72 साल के बाद भी आज समाज की ये स्थिति नहीं है, यद्यपि 70 साल में काफी विकास हुआ है, लेकिन आज भी अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो पूरे देश के अंदर 2-4 लोग भी जीत कर बहुत मुश्किल से जा पाएंगे। और इसीलिए सौती महोदय, इसलिए दक्ष महोदय, ये जो प्रावधान किया जा रहा है, और मैं आपका जब आएगा नंबर बोलिएगा ना। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये आरक्षण तब तक लागू रहेगा, अभी तो 10 वर्षों के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है, जब तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपनी ताकत पर उसी अनुपात में जीत कर नहीं आते हैं तब तक हमारा ये दायित्व है कि हम इस आरक्षण के प्रावधान को हम बनाए रखें। इसके लिए 100 साल भी अगर बनाए रखने की आवश्यकता होगी तो हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा समाज के उन वर्गों के प्रति हमारा कमिटमेंट है जिसका अनुपालन हम सभी लोग कर रहे हैं। सती महोदय, जब हम विधानमंडल और संसद में जब आरक्षण की चर्चा कर रहे थे तो मैं सदन को याद कराना चाहूंगा कि आरक्षण किसकी देन है। ये महात्मा गांधी और अंबेडकर की देन है। सदन के अंदर बैठे बहुत सारे सदस्यों को जानकारी होगी, लेकिन मैं उसको स्मरण कराना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने समाज को बांटने के लिए और कॉमनल अवार्ड की घोषणा की थी, और कॉमनल अवार्ड के अंदर यह प्रावधान था कि दलित समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, दलित केवल वोट करेगा, पूरा हिंदू समाज वोट नहीं करेगा, जिसको पृथक निर्वाचन का अधिकार कहा गया कि दलित खड़ा होगा और केवल दलित वोट करेगा। और गांधी ने ऐलान कर दिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर पृथक निर्वाचन का अधिकार दलितों को दिया गया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मैं समाज को टूटने नहीं दूंगा। लेकिन जब रैमसे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जब उन्होंने 1932 के 17 अगस्त को कॉमनल अवार्ड घोषित करते पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तो गांधी ने उसी समय ऐलान किया कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। और सदन को मैं बताना चाहूंगा कि गांधी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए, वो यरवदा की जेल में बंद थे, उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन का अधिकार मुझे स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि अंग्रेजों ने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, पृथक सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था कि मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, सिख सिख को वोट करेगा, यूरोपियन यूरोपियन को वोट करेगा, ईसाई ईसाई को वोट करेगा और उनके लिए सीटें आरक्षित रहेगी। लेकिन गांधी ने कहा कि मैं दलित समाज के अलग से पृथक निर्वाचन के आरक्षण का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। और सदन को मैं बताना चाहूंगा कि गांधी 5 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ और जो पूना समझौते के नाम से जाना जाता है, और जहां अंग्रेजों ने दलितों को 71 सीटें दी थी वहां गांधी के समझौते के परिणाम स्वरूप इस देश के दलित समाज के लोगों को 71 की तुलना में 148 सीटें प्राप्त हुई। इसलिए मैं इसका स्मरण करना चाहता हूं सती महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि ये गांधी अंबेडकर के समझौते का परिणाम है। इसलिए किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कोई एहसान कर रहे हैं दलित समाज के लोगों को यह आरक्षण देकर। सैकड़ों हजारों वर्षों तक दलितों के ऊपर जो उन पर जो उनका अपमान हुआ है उस प्रायश्चित के रूप में और उस वर्ग को समाज के बाकी लोगों के समकक्ष लाने के लिए ये प्रावधान किया गया था। और सती महोदय, इस बात को लेकर जब गांधी अंबेडकर का समझौता हो रहा था तो मैं 2 मिनट के अंदर कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा सती महोदय। अंग्रेजों ने जब 71 सीटें दी तो अंबेडकर की ओर से ये मांग थी कि हमको 197 सीटें मिलनी चाहिए,
और जैसे मैंने बताया कि सहमति बनी 148 सीटों पर, और प्रावधान ये किया दो चरण में चुनाव होगा, पहले केवल दलित खड़ा होगा और दलित समाज का व्यक्ति वोट देगा और चार लोग उसमें से चुने जाएंगे, इसको प्राइमरी इलेक्शन कहा गया, यानी एक विधानसभा या एक लोकसभा क्षेत्र में दलित को दो वोट देने का अधिकार होगा। पहला वोट वो देगा जो दलित खड़ा होगा, केवल दलित वोट करेगा, तो जितने लोग खड़े होंगे उसमें सबसे ज्यादा जिन चार लोगों को मत मिलेगा वह सामान्य चुनाव में खड़ा होगा, और फिर पूरा हिंदू समाज उसके लिए वोट करेगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग अधिकार था, क्रिश्चियंस के लिए अलग था, सिखों के लिए अलग था। तो ये अधिकतम चार का प्रावधान किया गया, और केंद्रीय संसद में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो गांधी अंबेडकर समझौते के परिणाम स्वरूप केंद्रीय असेंबली में 18% सीटों का प्रावधान किया गया। और सती महोदय, और ये भी कहा गया कि जो प्राथमिक चुनाव होगा जिसमें चार सदस्य चुने जाएंगे, ये 10 साल तक ये व्यवस्था रहेगी। अंबेडकर चाहते थे कि 10 साल के बाद 10 साल प्राइमरी इलेक्शन चलेगा, उसके बाद प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी चार नहीं चुने जाएंगे, पूरा समाज चुनेगा, और 25 साल के बाद जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह में अगर दलित समाज ने कहा कि आरक्षण लागू रहना चाहिए तो फिर उसको अगले 10 साल तक लागू किया जा सकता है। गांधी कहते थे कि नहीं, जनमत संग्रह 25 साल बाद नहीं होगा, जनमत संग्रह जो है वो 5 साल के बाद होना चाहिए, और 5 साल के बाद अगर दलित समाज ये कहता कि आरक्षण लागू रहना चाहिए तो फिर उसको आगे भी जारी रखा जाए, फिर 10 साल के बाद रिफरेंडम हो। इसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया, और अंत में सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अंत में यह सहमति बनी, ये जो प्राइमरी इलेक्शन है ये 10 साल तक चलेगा, और उसके बाद दोनों सवर्ण समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपस में बैठ कर सहमति से ये निर्णय करेंगे कि आरक्षण कब तक जो है और ये लागू रहेगा। अध्यक्ष महोदय, में सदन को यह भी बताना चाहूंगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी, और जो पूना समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों में पंडित मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, इन सारे तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किया, और तब अंग्रेज सरकार को झुक कर कॉमनल अवार्ड वापस लेना पड़ा सौती महोदय, और कॉमनल अवार्ड वापस लेने के बाद उसके अंदर ये प्रावधान किया गया सौती महोदय कि आरक्षण जो है ये लागू रहेगा। और सौती महोदय, मैं ये भी सदन को बताना चाहूंगा कि ये जो आरक्षण जो 37 के अंदर ये आरक्षण लागू हुआ, 35 में समझौता, 32 में समझौता हुआ, 35 में कानून बना, और 1937 के भारत सरकार के कानून के तहत आरक्षण को लागू किया गया, लेकिन आरक्षण केवल 2 साल लागू रहा, उसके बाद 10-12 साल तक संविधान स्थगित रहा, और तब उसके बाद जब नया संविधान बना तब यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि सर्वसम्मति से संसद ने इस संकल्प को पारित किया है, ये विधानसभा भी संकल्प को और पारित करेगी, लेकिन कई बार लोगों के मन में जो प्रश्न पैदा होता है कि आखिर कब तक ये आरक्षण लागू रहेगा, उन लोगों को हम लोगों का यही जवाब है कि जब तक ये भेदभाव समाज बना रहेगा तब तक ये आरक्षण इस देश के अंदर और लागू रहेगा। और सौती महोदय, मैं 2 बातों का और जिक्र करना चाहूंगा कि भारत की सरकार ने और सभी लोगों ने मिलकर और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज कर दिया था, संसद ने सर्वसम्मति से उसको रिस्टोर करने का काम किया। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों का ये मत है कि जो क्रीमी लेयर है वह अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर लागू नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि नौकरियों में जो एससी एसटी का आरक्षण है उस पर क्रीमी लेयर लागू होगा जिस तरह ओबीसी के आरक्षण पर लागू है, लेकिन भारत की सरकार इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गई है,
और सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कहा है कि हम क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है, कि अभी वो स्थिति नहीं आई है समाज के अंदर की एससी एसटी के लिए और क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। साथ ही साथ हमारी सरकार और हमारी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण के पक्षधर है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों ने बिहार में इसको लागू किया था कि प्रमोशन में भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जो है वो लागू रहना चाहिए। कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लिए हम लोगों ने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो उस पाप का प्रायश्चित है जो हजारों वर्षों तक हम लोगों ने इन वर्गों के ऊपर दमन के रूप में करने का काम किया था। राष्ट्रपति महोदय, मैं अध्यक्ष पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से और विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर ये संकल्प पारित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।